हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल लाइफस्टाइल विद वर्णिका। तो आप सबका वर्णिका के व्लॉग में बहुत 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 स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी जगह, अच्छी प्लेस पे ले चल रही हूँ, जो कि मेरे लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि मुझे भी ये चीज़ नहीं पता था। था तो मेरे घर के बगल में, लेकिन मुझे भी नहीं पता था ये कहाँ है। तो ये है बन मक्खन चाय वाला, जो कि है लखनऊ में, आशियाना में। जो भी आशियाना के साइड में रहता होगा वो जानता होगा कि ये कहाँ है। अगर नहीं गए हैं तो जाइए, अगर लखनऊ में आते हैं तो एक बार यहाँ पे ज़रूर जाइएगा। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मुझे भी नहीं पता था कि ये कहाँ, क्या, कैसे है। बस मेरे हस्बैंड का सरप्राइज़ था कि चलो तुम्हें एक जगह लेके चलते हैं। वो भी देखे थे, वो भी नहीं गए थे, लेकिन हाँ उन्होंने नेट पर देखा था, तो उन्होंने कहा कि चलो तुमको लेके चलते हैं। हमने कहा चलिए देखते हैं। तो बस सरप्राइज़ में वहाँ पे पहुँचे और जगह बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे एक व्लॉग बनाया जाए, आप लोगों को इस जगह का, इस जगह से ज़रूर इंट्रोड्यूस कराया जाए। और ये है बन मक्खन चाय वाला आशियाना। मौसम अच्छा हो, बारिश का मौसम हो, तो चाय पीने का और चाय की चुस्कियों का मज़ा कौन नहीं लेना चाहता है। तो हम लोग भी यहाँ पे निकल आए हैं इवनिंग में चाय का एक मज़ा लेने की। देखें यहाँ की चाय कैसी है, बहुत तरीके की, बहुत अनेक अनेक प्रकार की यहाँ पे चाय मिलती है। तो ज़रूर आप लोग भी एक बार यहाँ पे आइए और डिफरेंट डिफरेंट चाय का मज़ा लीजिए। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, ब्लॉग में बने रहिएगा, आगे आपको सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी। बहुत ही ब्लॉग बहुत ही मस्त और बहुत ही अच्छा होने वाला है। और प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इस समय आ चुके हैं आशियाना। हम लोग को नहीं पता था आज मेरे हस्बैंड ने, हम लोग ऐसे ही अभी शाम को बैठे थे, तो इन्होंने कहा चलो फटाफट रेडी हो जाओ और चलो चलते हैं, तुम लोग को एक नई जगह लेके चलते हैं। हमके कहाँ कहाँ, हम लोग भी पूछे, पापा भी पूछे, नहीं बताए, तो हुआ कि चलो एक जगह लेके चलते हैं। तो जिसका नाम है बन मक्खन चाय, आशियाना में बन मक्खन चाय है। हम तो सोचे कोई ऐसी, मतलब कुछ ऐसी जगह होगी, मतलब पता नहीं क्या था, हमें भी नहीं पता था। तो यहाँ पे आए, काफ़ी अच्छी जगह है। अब चलते हैं अंदर, फिर देखिए क्या है, कैसे है वहाँ पे, क्या हम लोग को भी नहीं पता। ये यहाँ का है, ये बन मक्खन चाय आशियाना में है, आशियाना पावर हाउस चौराहे से थोड़ा सा आगे। और यहाँ का आउटलुक जो है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मस्त है। एक पूरा ओपन है, आउटडोर सीटिंग है, काफ़ी अच्छा। मतलब चाहे फैमिली के साथ जाइए, चाहे फ्रेंड के साथ जाइए, चाहे किसी के साथ भी जाइए, बहुत ही मस्ती होने वाली है। लुक भी बहुत अच्छा है, मतलब मुझे ये प्लेस बहुत अच्छा लगा। चाय पीने के लिए कोई भी आए, आराम से आए, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से 15 रुपये से यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है चाय की। कोई भी चाय पीजिए, एक से एक चाय पीजिए, कोई भी तरीके की चाय पीजिए, सिर्फ और सिर्फ 15 रुपये में। देखिए देखिए जो देख मंगाना हो देखिए। तो हम लोग इस समय यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ हैं आशियाना में, पावर हाउस चौराहे के थोड़ा सा आगे है ना, ना पावर हाउस चौराहे के थोड़ा सा आगे है ना, हाँ पावर हाउस चौराहे के थोड़ा सा आगे है। और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ओपन है, मतलब काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। अब चलिए देखते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं और क्या कैसे यहाँ का टेस्ट है वो बताते हैं। तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे चाय की वैरायटी बहुत ज़्यादा है। एक फ्रेंच फ्राइज, ठीक है एक फ्रेंच फ्राइज कर लीजिए। और चाय कौन सी पियेंगे, देखिए यहाँ पे चाय है, चाय मसाला है, चाय लेमन ग्रीन है, टी लेमन ग्रीन है, टी कौन कौन सी, ब्लैक पेपर है, कौन सी पीना, टी जिंजर है, कौन सी पीना बताइए, बताइए जो मंगा लीजिए। इसमें चाय की वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ एक से एक न्यू चाय भी मिलेगा। टी ग्रीन, टी चॉकलेट, टी जिंजर हनी, टी लेमन हनी, देख लीजिए जो भी मंगाना हो मंगा लीजिए ना। ये पैक है, जो मन एक पिज्जा सैंडविच ग्रिल ले आइए, एक आप वो लेते हैं फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज ठीक है, और दो जिंजर टी हो जाएगा, जिंजर चाय छोटी रहेगी भाई, छोटी छोटी लेते हैं। और चॉकलेट टी रिस्क लीजिए लीजिए, हम नहीं जानते चॉकलेट टी कैसे लगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे भैया रिस्क नहीं ले सकते, चाय की वैरायटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे,
लेकिन हम लोग ने ऐसी ही चाय करी है कि जिसको पी सके, क्योंकि सैंडविच वगैरह हम लोग ने एक सैंडविच भी ऑर्डर करी है। कौन सी सैंडविच ऑर्डर करी है? पिज़्ज़ा सैंडविच हम लोगों ने ऑर्डर करी है, तो बस उसके साथ जिंजर टी ही लेंगे। ये है चॉकलेट टी ले रहे हैं हम, क्या आप रिस्क लीजिए, हम अपना टेस्ट नहीं बेकार करना चाहते हैं। अब देखते हैं आता है कैसा यहाँ का टेस्ट है, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो चलिए पहले फटाफट चाय पीते हैं। सोडा ऑर्डर करेंगे, समोसा और बर्गर खाओगे और बाबा के लिए भी ऑर्डर कर दो, बाबा के लिए भी कुछ ऑर्डर कर दो। तो ये आ गया है हम लोगों का बंद मक्खन, हम लोगों ने ऑर्डर किया था ग्रिल बंद मक्खन है ये। इसमें एक में ऑर्गिनो डाला, एक में ऑर्गिनो क्यों नहीं डाला? अच्छा एक प्लेन है। अच्छा तो ये चीज़ है, अब इसको चलिए पहले खा लेते हैं फिर इसका टेस्ट बताते हैं कि क्या है। वो यहाँ का गार्लिक ब्रेड बंद मक्खन यहाँ का है। बढ़िया है नॉर्मल, बस इसको ऑर्गिनो वगैरह डाल दिया, अच्छा टेस्ट अच्छा हो गया। बाकी की फ्रेंच फ्राइज ना बाकी बढ़िया है, बाकी ये तो नॉर्मल फ्रेंच फ्राइज अच्छी होती है वैसे, लेकिन बढ़िया। ये बढ़िया है और है अच्छी जगह है, क्योंकि घर से पास में भी है, बहुत ज़्यादा दूर पे नहीं है, तो जैसे कभी किसी का निकलने का मन हो तो आराम से यहाँ के आके चाय वगैरह पी सकते हैं। अच्छी जगह, मुझे भी अच्छा लग रहा है। कोई कोई चीज़ तब भी होती है कि घर के पास में तो हम लोगों को नहीं पता होता है। ये तो मेरे हस्बैंड की मेहरबानी थी कि इन्होंने देखा नेट पर, तो ये हुआ कि चलो चलते हैं वहाँ पर, तो हम लोग आ गए यहाँ। तो ये आ गई है हम लोग की टी, ये प्लेन जिंजर टी है, और ये कौन सी है? जिंजर गार्लिक हनी। तो चलिए ये आ गई यहाँ पे चाय, तो अब गर्मा गर्म फटाफट चाय पीते हैं। वो फ्लेवर फुल के नहीं है, फ्लेवर हमको पिलाएंगे। तो ये पी रहे हैं चाय, हाँ टेस्ट बढ़िया है, फ्रेशनेस वाली पी के। एक होता ना कि जिंजर टी वैसे भी नॉर्मल सबको पसंद होती है, तो एक पी लो तो फ्रेशनेस आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो हम और पापा सब लोग पी रहे हैं यहाँ पे। इस चाय का टेस्ट मैं बताती हूँ, इस चाय का टेस्ट मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं शहद गर्म पानी पीती हूँ, लेमन हनी और हल्का सा बॉयल वाटर जो मैं मॉर्निंग में पीती हूँ, सेम उसका टेस्ट लग रहा था। तो इसका टेस्ट तो मुझे नहीं अच्छा लगा, क्योंकि ये सब चाय ऐसे नहीं पी सकते हैं। हाँ नॉर्मल जिंजर टी ले लीजिए, मसाला चाय ले लीजिए, ये सब तो पी सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो मंगाया था चाय, वो उसका टेस्ट मुझे नहीं अच्छा लगा। तो ये हम लोग का आ गया है पिज़्ज़ा सैंडविच, देखे तो ज़रा क्या क्या है। बढ़िया तो है, अच्छा तो मेरे मुंह में आ रहा है पानी। अब खा के देखते हैं इसका टेस्ट क्या है। अच्छा ये वैसे जैसे नॉर्मल हम लोग बनाते हैं वैसा नहीं है ना, ये अंदर सीलिंग हुई है। लीजिए पापा खाइए, पापा लीजिए, रुक जाओ सॉस डाल लीजिए, सॉस ठीक है, नहीं हमें नहीं चाहिए, खाइए खाइए, टेस्ट तो बनाई नहीं, आप खाइए तो इसका टेस्ट तो बताइए। अच्छा है, बढ़िया, कैसा टेस्ट है आपको लग रहा है? ठीक है, अब रुकिए चलिए अब मैं खाती हूँ तो फिर बताती हूँ इसका टेस्ट कैसा है। टेस्ट बढ़िया है, क्रिस्पी भी है ना, सब कुछ है, टेस्ट अच्छा है इसका। अब चलो ये तो डन हो गया कि हाँ अब कोई भी आता है तो उसको लेके बढ़िया आ सकते हैं, और पास में है तो आराम से खाने पीने, तो आराम से मस्ती करने हम लोग आ ही सकते हैं यहाँ पे।
इसका टेस्ट भी बढ़िया है। पावर हाउस चौराहे पे अगर कोई आना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन सब हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इसका लिंक जो भी है, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो हम लोग आ गए हैं। ये एक अच्छा सा हो गया है कि इवनिंग स्नैक्स हो गया है। इवनिंग चाय वैसे भी हम लोग घर में पीते हैं, तो यहाँ आके पी लिए। कुछ नया कुछ बढ़िया देखने को मिला, अच्छा लगा खा के। और मतलब मेरे हस्बैंड का कहना था कि अगर जेब में 50 रुपये भी है तो आराम से आके यहाँ पे खा सकते हैं। हाँ, तो ये तो है कि बहुत ज़्यादा इसका रेट नहीं है, बहुत नॉर्मल सा रेट है। कोई भी आके आराम से इसमें बढ़िया से चाय और एक बंद मक्खन या जो भी आपका खाने का मन हो तो वह आके आराम से यहाँ पे खा सकते हैं। तो ये था हम लोग का आज इवनिंग का स्नैक, जो थोड़ा सा हम लोग आके घर से बाहर करें, बहुत अच्छा लगा। तो अब हम लोग निकलते हैं घर की ओर। तो हम लोग कहाँ चल रहे हैं पाखी? गल चल रहे। अब हम लोग घर चलते हैं। फिर कहाँ चल रहे हैं? आइसक्रीम खाने? नहीं, अभी आइसक्रीम नहीं खाना है। तो हम लोग निकलते हैं घर, फिर वहाँ पे क्या है देखते हैं क्या होता है।